तो कितनी बढ़िया हमारी ये नमकीन चावल की रेसिपी बन के तैयार है फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव और राजीव किचन इन्फो में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे नमकीन चावल की रेसिपी, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने फ्रेंड्स लगभग 20 से 25 गोभी के टुकड़े को अच्छे से इसे तेल में फ्राई कर लिया है, और इस प्रकार से कुछ हम ये लगभग आधी गोभी के टुकड़े को हमने इस प्रकार से छोटे छोटे टुकड़ों में से तोड़ के इसे अच्छे से फ्राई कर लिया गोल्डन ब्राउन। और उसके बाद हमने लगभग 5 से 6 आलू लिया है, और उसे भी हम धो के छील के एक आलू को हमने 8 भागों में काटा है कुछ इस प्रकार से, और इसे भी हम तल लेंगे अच्छे से जैसे कि गोभी को हमने तला था। गोल्डन ब्राउन करके इसे फ्राई करेंगे ताकि अच्छे से पक भी जाए। तो ये देखिए हमारा आलू भी अच्छे से फ्राई हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पर फ्रेंड्स। उसके लिए हमने एक कढ़ाई में तेल डाल के जीरा को हमने थोड़ी सी फ्राई करके प्याज और हरे मटर को हमने एक साथ डाला है, और हरा मटर जो है हमने लगभग 100 ग्राम के आसपास इसमें दाने डाले हैं, और प्याज हमने एक बड़ी साइज का लिया है, उसे अच्छे से हमने यहाँ पे रोस्ट करना है और इसे लगातार इस प्रकार से चलाते रहेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे फ्रेंड्स ये देखिए इसका हल्का कलर चेंज हो गया, अब हम यहाँ पे अदरक ऐड करेंगे। अदरक हमने लगभग ये 1 इंच के टुकड़े को हमने अच्छे से घिस लिया है, उसके बाद डाला है इसमें। इसमें अदरक का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है अदरक डालने से, तो अदरक आप इस प्रकार की रेसिपी में आप ज़रूर डालें। उसके बाद हमने यहाँ पे थोड़ी सी सग्गा प्याज का पत्ता हमने डाला है, जिसे कि स्प्रिंग अनियन भी बोलते हैं, तो थोड़ी सी हमने डाला है यहाँ पे। ये ऑप्शनल है, आपके पास हो तो डालें, नहीं तो ऐसे भी सर्दियों के मौसम में तो आसानी से उपलब्ध भी हो जाता है। तो अब हम यहाँ पर हमने चावल जो बना के रखा है ये देखिए बिल्कुल खिली खिली चावल है, तो उसे हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो ये जो रेसिपी है फ्रेंड्स हम लगभग 3 से 4 आदमी के लिए हमने बनाया है, तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं इसे। तो इसे डालने के बाद हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर लेंगे, नहीं तो ये हमारा क्योंकि हल्का सा ये पतली तले वाला कढ़ाई है तो ये जलने लगेगा। मोटे तले वाला कढ़ाई हो तो आप इसे फ्लेम को थोड़ी सी तेज़ भी चलेगा, तो फ्लेम को थोड़ा कम करके इस पे चावल को हल्का सा भुनेंगे। तो अब हम यहाँ पे भुने हुए गोभी और आलू को अच्छे से डाल के इसे फिर से अच्छे से मिलाएंगे, लगातार हम 3 से 4 मिनट तक इसे मिलाएंगे। और ये देखिए चावल हमारा बिल्कुल खिला खिला सा बना है, तो इसे मिलाने के बाद हम यहाँ पे नमक ऐड कर लेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, और नमक डालने के बाद फिर से हम इसे मिलाएंगे। तो ये आपको देखने से लग रहा होगा ना ये बिल्कुल बहुत ही बढ़िया इसका टेस्ट होने वाला है, आपको देखने से ये मालूम चल गया होगा फ्रेंड्स। तो आप इस रेसिपी को बिल्कुल कम समय में इसे बना सकते हैं। तो ये देखिए हमारा फाइनली अच्छे से हमने मिला के इसे पका लिया है। चावल को हम ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारा चावल पका हुआ है, केवल हल्का सा रोस्ट करना है, और लास्ट में हम यहाँ पे हरी धनिया डाल के इसे एक बार और अच्छे से चला लेंगे। तो ये देखिए फाइनली हमारा अच्छे से हमने मिला के इसे तैयार कर लिया है। तो फाइनली हमारा ये फ्रेंड्स नमकीन चावल की रेसिपी बनके तैयार है, तो ये आपको देखने से लग रहा होगा ना बिल्कुल टेस्टी यम्मी। तो आप भी इस तरीके से अपने घर पर इस रेसिपी को फ्रेंड्स ज़रूर बनाएं, और ये देखिए कितना खिला खिला बना है, तो आपको देखने से अंदाज़ा लग जाएगा। तो अपने घर पे इस प्रकार की रेसिपी को एक बार बना के ट्राई जरूर करें फ्रेंड्स। तब तक के लिए धन्यवाद।
रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और घंटे के बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि किसी तरह की रेसिपी आप आगे भी मिलती रहे। तब तक जय जय भारत।